हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फूड आर्ट। आज की वीडियो में हम बनाएंगे क्रिस्पी फ्राइड चिकन। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं इसके लिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्राइड चिकन बनाने के लिए आप लेंगे चिकन, आप विंग्स और लेग पीसेस भी ले सकते हैं, मीठा सोडा, एक एग, 4 से 5 चम्मच कुटी लाल मिर्च, नमक, सिरका। चिकन को पहले मैरिनेट करेंगे। 4 से 5 चम्मच इसमें ये कुटी लाल मिर्च ऐड कर दें। चिकन को कट्स लाजमी लगाने हैं ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छे से हो जाए। अब इसमें अंडा ऐड कर देंगे, मीठा सोडा ऐड कर देंगे। अगर आपका चिकन ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप इसी रेशो को डबल कर दें। नमक 1 टीस्पून सॉल्ट, एक चिकन के लिए इनफ है 1 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि आपने इसको मैरिनेट करके बाद में बनाना है तो इनफ है। अब इसमें 1/2 कप विनेगर ऐड कर दें एंड दैट्स इट। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। और अगर आप इसको ओवरनाइट रखते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। कॉस सिरका और मिर्च जो है वो बहुत अच्छा इसका कम्बिनेशन बनता है और ये बहुत अच्छे से चिकन को सॉफ्ट भी कर देती है और उसके टेस्ट को बहुत इन्हांस करती है। एंड दैट्स इट। अब इसको फ्रिज में रख दें। अब मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और इसमें मैं कॉर्नफ्लावर ऐड करूँ। जब भी आपने बनाना है, आपने 1 दिन बाद बनाना है, आपने 2 दिन बाद बनाना है, जब आपने बनाना है आप ऑयल रखें। चिकन में आप 2 टेबलस्पून ऐड किया है कॉर्नफ्लावर, 3 टेबलस्पून ऑलमोस्ट बेसन ऐड कर दें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें जितनी देर में ऑयल गर्म हो रहा है। ऑयल को बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं करना, लो फ्लेम पर रख दें और इसको उसी टाइम पर आपने मिक्स करना है जब आपने चिकन को रेडी करना है। आप इसको चिकन को 2 से 3 दिन भी आप रख सकते हैं, बिकॉज इसमें सिरका डाला हुआ है तो चिकन में स्मेल नहीं आएगी और इसमें और कोई इंग्रेडिएंट नहीं जाएगा। ये बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ये देखें, अच्छे से इसकी कोटिंग होगी। हमने इसमें कोई पानी और कुछ भी ऐड नहीं किया, बिकॉज इसमें ऑलरेडी अंडा भी डला हुआ था, सिरका भी था। अब देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और पतली सी कोटिंग भी हो गई है। अब सिंपली चिकन को फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया, ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। बहुत गर्म ऑयल में आप डालेंगे तो चिकन बाहर से तो पक जाएगा पर अंदर से वो कच्चा रह जाता है। अब चिकन को ऐड करने के बाद आप इसको थोड़ी देर 5 to 8 मिनट्स इसको ढक के पकाएं, फिर लिड उठा के दूसरी साइड चेंज करके फिर 5 to 8 मिनट्स इसको दूसरी साइड पे पका लें। उससे ये होता है चिकन जो है वो अंदर तक कुक हो जाता है। ये देखें, ये चिकन अंदर से तो कुक हो गया लेकिन बाहर से उतना भी ब्राउन नहीं हुआ। मैं इसको फिर ढक के पका लूंगी और फिर उसके बाद आप इसकी लिड रिमूव कर दीजिएगा। ये देखिए, इसके बाद लिड रिमूव करके मीडियम हीट पे आप बना लें। ये देखिए चिकन रेडी है। इस पॉइंट पे आपने इसे निकाल लेना है। अब इसको आप केचप के साथ सर्व करें। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।